हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बर्ड्स एंड ब्रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है सन कैन्यूर के जेंडर के ऊपर। सन कैन्यूर के जेंडर को पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि अपीरियंस में दोनों सेम ही दिखते हैं, फीमेल और मेल बिल्कुल दोनों सेम होते हैं, तो पता नहीं चला सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उसका डीएनए कैसे कराते हैं। तो जेंडर के लिए डीएनए कराना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि बड़े बर्ड्स के लिए। तो हम आज हमारे कुछ बर्ड्स बड़े हो चुके हैं, उनका हम डीएनए सैंपल लेंगे, कलेक्ट करें। सैंपल कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप के बैग्स चाहिए होते हैं। तो इस बैग्स पे क्या क्या मेंशन करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑनर नेम, आपकी फर्म का नाम और रिंग आईडी, जो कि लैग रिंग होती है बर्ड्स के जो हम डालते हैं, और स्पाइसी यानी कौन सा बर्ड्स है। तो इस तरह के बैग्स में हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये हमने बैग्स पे सारी डिटेल लिख ली है, सारी मेंशन कर ली है, आईडी, रिंग आईडी, बर्ड्स कौन सा है, सब कुछ। और जहाँ हम टेस्ट कराते हैं उसका एड्रेस भी हम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे अपना बर्ड्स का सैंपल भेज के डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। तो केजेस की तरफ लेट्स गो, केजेस की तरफ चलते हैं हमने केजेस में और लेते हैं सैंपल्स डीएनए के। तो चलिए गाइस, हम आ गए हैं अपने केज में और ये हमारे सन कैन्यूर के कुछ बेबीज़ हैं जो बड़े हो चुके हैं और इस सीज़न ये ब्रीड भी करेंगे। तो इनका हम सैंपल लेंगे, वो आपको दिखाते हैं कैसे कलेक्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ग्लव्स, क्योंकि ये बहुत ज़रा बहुत तगड़ा बाइट करते हैं, तो मैंने ग्लव्स पहन लिया है। ये मैंने बर्ड पकड़ लिया है, इसका फैदर कलेक्ट करेंगे इस तरह से। बर्ड्स के खरीदते हैं, इनकी आईडी देख लेंगे। ये 52 का बर्ड्स है, तो इसको हम 52 में डाल देंगे। ये मैंने दूसरा बट पकड़ लिया, इसकी रिंग आईडी है 55। ये 55 का बर्ड ले लिया मैंने। ये मैंने कलेक्ट कर लिए सैंपल सारे सारे बर्ड्स के। ये देखिए, मैंने सारे बर्ड्स के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए। बस कर दे।
तो हमने सभी बर्ड्स के सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं इस पॉली बैग में, और इनकी रिंग आईडी भी हमने इसमें लिख दी है। जहां हम इसको भेजेंगे डीएनए टेस्ट के लिए, उसका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप भी अपने बर्ड्स का डीएनए टेस्ट वहां से करा सकते हैं। इस तरह से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने वीडियो में दिखाया आपको, इसी तरह से आप बर्ड्स के सैंपल कलेक्ट कीजिए, इस पॉली बैग में डालिए और यहाँ वेटरनरी डायग्नोस्टिक सेंटर में भेज दीजिए, वहाँ से आपका डीएनए सैंपल मिल जाएगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।